आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद। किस बात की? बस ये कि आप आज यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। आज ये आपकी जो भाभी है, मेरी जो वाइफ है, उन्होंने ये शर्ट लाके। अरे क्या बात है यार, भाभी इस दौर में, मतलब शादी के बाद आपको गिफ्ट मिल रहे, ये बड़ी। शादी के बाद तो आदमी गिफ्ट छीनता है, नहीं होता ना। अब देखो ना, अब इससे मुझे याद है बीबी करी शौहर से, मेरी शादी तो अपनी पढ़ाई की वजह से लेट हुई, आपकी शादी क्यों लेट हुई? शौहर कह रहा है मैं सदका बहुत कसरत से दिया करता था। बीबी करी शादी का सदके से क्या ताल्लुक? शौहर कह रहा है सदका बहुत सी बलाओं को टालता है, बस मैं एक साल सदका नहीं दे पाया तो मेरी शादी हो गई। दिस इज द फैक्ट। ये आप मेरा जुमला सुना रहे हैं? नहीं, ऐसे एक मियां बीबी के रिश्ते जो होते हैं, रिश्ता बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है अगर हो जाए तो, हो जाए और बच्चे भी हो जाए तो और कमाल हो जाता है, मोहब्बत बढ़ जाती है। नहीं, अगर ज्यादा गैप नहीं आना चाहिए। अरे हमारे म्यूजिशियन हजरात भी तो बैठे हैं यार। अरे म्यूजिशियन, मैं तो भूल ही गया था यार। जाकिर भाई, मोहित भाई, वसीम भाई, राहिल भाई, कैसे आप लोग? कैसे सब ठीक है? ठीक है, है? मोहित भाई बड़े हैंडसम आदमी, इनका शॉट लगाइएगा ऑक्टा बैट पे। हाँ। ये क्या मोहित भाई का शॉट लगाइएगा जरा। मोहित भाई को दिखाइएगा जरा, कौन है ये महान आदमी जो मतलब हम लोगों के बीच में बैठ के। अरे ये भाई मोहित भाई के पीछे तो लड़कियों ने ब्लेड, बड़ी लड़कियां मरती इनके पीछे। अच्छा, लड़कियों ने इनके पीछे ब्लेड मारे। पीछे क्यों? जरा कमीज उठा के दिखाना भाई साहब। नहीं मतलब बड़ा बड़ी स्ट्रगल किया, बड़ी मोहब्बत है इनको। बड़े हाँ, मोहब्बत तो है, लेकिन आजकल के जो हालात हो रहे हैं, लोग पागलपन के दौरे भी पड़ने हुए। अरे यार पागलपन से याद आया, आप यकीन करो, बात ये आपने पागल की बात की ना, आज के दौर में पागल का कोई भरोसा नहीं है। क्यों? अब एक पागल दूसरे पागल से खराब है। तूने जिस लड़की को नदी में डूबने से बचाया था ना, उसने अपने आप को फांसी लगा ली है। दूसरा पागल कह रहा है क्या बात कर रहा है यार, उसे तो मैंने सूखने के लिए टांग दिया था। पागल पागल है आसमान में सुराग हो गया, इतने में बिजली चमकी, दूसरा पागल कह रहा है यहीं सो जा यार, वेल्डिंग वाले आ गए। होता है पागल पागल है, पागल कुछ भी कर सकते हैं। हम दो पागल हम, और लेकिन हम जो जिस गेस्ट को बुला रहे हैं मेहमान, वो पागल नहीं है। क्या बात, वो अपने काम के पागल हैं। काम की पागल है, काम की पागल है। ये खातून जो है ना, मैं कहता हूँ ये खातून के बारे में मैं कहता हूँ कि बहुत सारी खवातीन की ये आइडियल है। अच्छा, ये हर काम कर लेती है। एक आदमी सोचता ना कि ये काम करूंगा तो मैं कहीं बुरा ना लगूं या मैं कहीं मुझे नाकामी ना हो, नाकामी के डर से नहीं करती। अब सुबह सुबह टीवी खोलो तो यारी होती है भाई। इन्होंने एक चैनल से शुरू किया कंपेयरिंग की, इनका अपना ब्यूटी पार्लर है, सलून है, पता नहीं क्या क्या, नाखून भी खुद काटती है, नाखून भी, और मैं कहता हूं वेल ड्रेसअप। मैं इनकी ड्रेसिंग और जितने ज्यादा इनके पास ड्रेस है, अगर इनके पास कोई 5,000 ड्रेस होंगे ना तो कोई 41,000 सैंडल्स होंगे इनके पास। ओए होए होए, और शी इज अ वंडरफुल लेडी, शी इज अ चार्मिंग। अब तो ये अरे अकबर खान आ जाए। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इतना अच्छा तारुफ कराने का बहुत, ये तो बहुत कम था, कम था, ये कम था। हाँ, ये तो कम था कि कम। अच्छा, COME तो मतलब ये क्या मतलब, ये कट्टूगढ़ हम आ गए ना, फिल्म में कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हाँ, फिल्म में आ गई ना आप? फिल्म में हाँ जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और अल्लाह का शुक्र है लोगों ने बहुत पसंद भी किया। और देखा जाए, सबने मुझसे पूछा कि फिल्म में काम करके कैसा लगा। सच पूछे तो मुझे आई थिंक वो इतनी कंफर्टेबल थी या जो भी टीम इतना अच्छी थी कि मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मैंने फिल्म में काम किया। अच्छा, तो क्या एहसास हुआ आपको कि आपने तबेले में काम किया? नहीं, जैसे कि काम करें प्लेज में करते हैं, ड्रामे में काम करते हैं, बिल्कुल मतलब आपको पता नहीं, पता नहीं चला। नहीं नहीं, और ऐसे ही पता होना चाहिए, काम भी हो जाए पता भी ना चले। नहीं मतलब इतना इजी हो गया, पता चलता है काम वाम, पता चलता है कौन सी फिल्म में क्या स्क्रिप्ट है, पता ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर तो ये कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक वो झिझक, एक डर था, खौफ था कि पता नहीं कैसा रहेगा फिल्म, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। खौफ किस चीज का था आपको? फिल्म में था कि बहुत सारी रीटेक्स नहीं होने चाहिए, कि ज्यादा रिकॉर्ड ना कर लें, जो से रिकॉर्ड किया वो डालेगा कि नहीं डालेगा, और जो रिकॉर्ड नहीं किया वो क्यों नहीं डाला भाई। हाँ, ये भी होता है, ये सवाल आते हैं बाद में, बाद में होते हैं, सब बाद में होते हैं। तो आपका ऐसा लगा होगा यार ये हमने एक्स्ट्रा सीन भी तो किए, वो क्यों नहीं मारते? हां वैसे हुआ है कि हमारे से लंबे सीन्स हुए थे। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, इसके साथ तो पूरी फिल्म रिकॉर्ड हुई लेकिन सारी डिलीट कर दी। जो लंबे सीन्स थे मैं एडिटिंग के दौरान मैं कह रहा ये तो सीन और भी था इसके संग, ये तो आई थिंक वो एक डायरेक्टर देखता है जितना रिक्वायर्ड है वो सीन्स को डालना है, ताकि एक पेस, एक टेम्पो जो है एडिटिंग। अच्छा, बाजों का डायरेक्टर ये भी कहता है कि आपके जो सीन थे ना वो रील चबा गई। नहीं चबा, याद नहीं होता यार मेरे सीन रील चबा गया यार। हाँ, पुराने डायरेक्टर्स कहते थे ना कि यार जो सीन हुए ये जो आपके सीन्स रिकॉर्ड होते हैं ना, मेरे ख्याल से आपके साथ बहुत होता है, इनके साथ तो बहुत सारे सीन्स हुए हैं। अच्छा, अंबर आपने 16 सिंगार प्रोग्राम शुरू किया था सबसे पहले, तो 16 सिंगार जरा गिनवाए तो मुझे क्या क्या होता है 16 सिंगार में? अरे यार मैं आज यही बात कर रहे थे,
खवातीन को कितना कुछ करना पड़ता है, मर्द हजरात कुछ नहीं है। खवातीन के लिए करते हैं नहीं, आप लोग कुछ, हम देखें सोलह सिंगार में जो है थ्रेडिंग है, वैक्सिंग है, आपका फेशियल है, क्लींजिंग है, मर्द का भी फेशियल मेकअप है, मैनिक्योर पेडिक्योर इनसिक्योर, ये भी तो करना, ये सब करने के बाद बंदा इनसिक्योर होता है। क्यों इनसिक्योर तो आदमी भी होता है। अच्छा अमर, मैंने एक जगह मैंने पढ़ा था, लिखा था कि किसी लड़की को जान से मारने का आसान तरीका, उसे कीमती सूट गिफ्ट दो, बेहतरीन किस्म की ज्वेलरी दो, उनका किस्म का कॉस्मेटिक्स देकर उसे एक ऐसे रूम में लॉक कर दो जहां शीशा ना हो, तड़प तड़प के इसी हसरत में मर जाएगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये सच है कि नहीं है? तू भी आप इसमें ऐड करना चाहिए। बोल आईने बोल करती हैं आप, आईने को देख के बोलती हैं, बातें करती हैं। ये देखे, ये कहना कि तड़प तड़प के मर जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ये बोलना था, मैंने नहीं बोला, लेकिन ये होता है, आपको नहीं होता? अभी पीछे कहते हैं यार काश शीशा होता, यार मैं कैसा लग रहा हूँ, तो वो तो ऐसा ही ना। अच्छा मुझे तो नहीं होता, क्यों मर्द हजरात भी देखते हैं, बाल बाल सही है, सेट है, जनरल सही लगा है। मर्द हजरात तो चलते चलते बाइक में, बाइक के शीशे में भी देखते हैं, गाड़ी के साइड मिरर में भी देखते हैं कि पीछे वाली गाड़ी इतनी स्लो क्यों चल रही है, तभी तो मार देते हैं तकरीबन। खवातीन बहुत कम एक्सीडेंट्स करती हैं रोड पे। अच्छा मर्द ज्यादा शॉपिंग करते हैं या खवातीन? खवातीन, लेकिन मर्दों के पैसों की करती है ना? नहीं, भाई हो, शौहर हो, बाप हो, करनी भी चाहिए, करनी भी चाहिए। चले आपने पहले कह दिया था शो के बिगनिंग में अभी कि भाई मर्द कमाता ही औरत के लिए, तो बस फिर क्या, कोई गिला शिकवा नहीं, अच्छी बात। वाह वाह। अच्छा आपको कौन कौन छेड़ता है? आपके आपके ऊपर एक गाना बना है ना, नीले नीले अंबर पर। हाँ। चांद कोई छेड़ता ही नहीं, मैं चाहती हूँ छेड़े। चलो हम छेड़ देते, लो हम लोग तो बैठे हैं, मुझे घर से कह के भेजे, ऐसे गाल नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए। अगला, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए नीले नीले अंबर पर। चले जी अगले मेहमान को बुलाते हैं। हाँ, वो अंबर पे नहीं आएंगे, वो जमीन पे आएंगे। उनको तो भूल ही गए। नहीं नहीं भूल गए, अभी बहुत शो है आपके, समय ये खत्म हो गया, अभी समय 6.5 घंटा रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, गाने डर हम नहीं घबराते। वो सिंगर भी है, वो एक्टर भी है, वो होस्ट भी है, वो खूबसूरत भी है, वो मॉडल भी है, यानी डबल बहुत सारी पर्सनैलिटी, जैसे जिस तरह आप में वेरिएशन है ना। और ऐसा लगता है पाकिस्तान में कोई यूरोपियन घूम रहा है बंदा। क्या बात, बहुत अच्छी बात की आपने। क्यों भाई, बहुत अच्छी बात। अच्छा मैंने बहुत अच्छी बात की, तो उनका पासपोर्ट चेक करेंगे, यूरोपियन क्या? अच्छा और हाँ, तुर्की से भी उनका जो है ताल्लुक है। तो बुलाते हैं हमारे बहुत प्यारे भाई दोस्त टीपू शरीफ को। टीपू भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं टीपू भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल आपको पता शरीफों का दौर है। हाँ, तो आप कौन से वाले शरीफ हैं? जो शरीफ नहीं है, है? जो शरीफ नहीं है, है? किस हद तक शरीफ है? शरीफ कतन नहीं हूँ। कतन नहीं? कतन नहीं, नहीं लगते तो हैं, और आपकी कोई शिकायत भी नहीं आई अभी तक। पहले इसीलिए तो मुझसे कहे मैं शरीफ नहीं हूँ। हाँ। ये तो तरीका है बेवकूफ बनाने का। शिकायत ना है और है और क्या, बेवकूफ बनाने का ये तो तरीका है सबसे। नाम का फायदा उठाते हैं? बिल्कुल उठाते हैं। लेकिन आजकल तो मसला होता होगा। आजकल मसला छुपा लेता हूँ, नाम को छुपा लेता हूँ आजकल। अच्छा टीपू, आपकी माशाल्लाह पर्सनैलिटी के बारे में क्या क्या कमेंट्स करती हैं, खासतौर पर खवातीन? बहुत बुरे बुरे। नहीं नहीं यार, ये झूठ ना बोले, सच सच बताए ना। सच सच जो पॉजिटिव, जो सच, जो बड़ी तारीफ वाली बात, कोई बात नहीं, अपने मुंह से तारीफ को हम पाता है ना, हमें से तो पूछना। मैं क्या करूं, कोई ऐसी यादगार तारीफ? मैं उन्हें समझाता हूं, मैं उन्हें समझाता हूं कि देखो पागल ना हूं, ऑलरेडी पागल घूम रहा है, दूसरा पागल होती रहती है, क्या करूं। अच्छा समझाते हैं, क्यों सीधा सीधा बोल दिया करें, बस कर दो, बस बस कर दो, बस बस कर दो, बस प्लीज। तो किस हद तक आप परेशान होते हैं या एंजॉय करते हैं? नहीं अच्छा लगता है। किस टाइम? अटेंशन अच्छी लगती है। आपको अपने चाहने वालों की, फैंस की, दोस्तों की अच्छी लगती है अटेंशन। बट अगर वो बनावटी किस्म की अटेंशन मिल रही होती है तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये इंसान आपका भला नहीं चाहता, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा आपकी जिंदगी में खुशी का लम्हा अंबर आपका भी यादगार, अंबर आपका भी खुशी का लम्हा शो में आने से पहले तक का बहुत सारे हैं। स्कूल का पहला दिन, स्कूल का आखिरी दिन, पहला दिन खुशी का लम्हा, पहला दिन मैं तो पता नहीं होगा ना क्या होने वाला है, आखिरी दिन पता जल्दी खत्म हो रहा। पहला दिन ऑन सेट जब फर्स्ट टाइम ड्रामे में एक्टिंग करने आया था, जान निकली हुई थी, लेकिन वो भी एक खुशी का दिन था। पहला कॉन्सर्ट, वो भी एक खुशी का दिन था। बहुत सारे दिन आते हैं। माँ बाप ने जब ग्रेजुएशन देखी, वो भी खुशी का दिन था। कई है, अल्लाह ने बड़ा ब्लेस किया, बहुत सारे दिन। अंबर आपका? साल गिरा तो खुशी का दिन, तोहफे मिलते हैं, रोजा खुशाई हुई तो खुशी का दिन था, फिर जब शादी हुई तो भी खुशी का दिन था,
और उसके बाद जो है जब टीवी पे आए तो रोजा खुशाई, इतना खुशी का दिन था कि अम्मा ने रोजा खुशाई बोला। रोजा खुशाई, इतना खुशी का दिन था। अच्छी बात, रोजा खुशाई। एक साहब कहना कि खुशी के लम्हे किस कदर मुख्तसर होते हैं। हाँ। अभी पंखा चला ये था कि लाइट चली गई। लेकिन हमारे अब जो चल वजन है शेर है ना? नहीं अब जो चल आप, अच्छा टिपोई आप सिंगिंग आपने की? मैं रिटायर हो गया हूँ अब। क्यों क्यों क्यों? माशाल्लाह आप तो इतना अच्छा गाते हैं यार। पाकिस्तान में जब तब्दीली आएगी उसके बाद ही कुछ हो सकता है। यही तो मौका था, यही तो प्लेटफॉर्म। हाँ। आज आए हो, आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं अनाउंस कर दूं कि मैं रिटायरमेंट वापस ले रहा। हम तो आपके फैन थे। साथ में आप गाते ही नहीं है तो मजा नहीं यार। हम तो आपके गायकी के फैन हैं यार। हमने नहीं, हमने गाना थोड़ी, हम तो परफॉर्म कर सकते हैं। करेंगे आपके गाने पे? क्या बात कर रहे हैं बरकत और मैं तो सेशन लगा चुके हैं कहीं पीछे। अच्छा हमने नहीं, मतलब क्यों क्यों गाने से, मतलब तुम तो अपना कुछ नहीं। गाना गाना बिल्कुल मुझे अभी भी उतना ही पसंद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी मैं एफर्ट करता हूँ या चीज सामने लेके आता हूँ वो मार्केट जो है ना वो कुछ और डिमांड करती है। मैं उस चीज़ को मैं बिलीव करता हूँ कि इंसान वही करे जिसमें वो अपने आप को बेहतर समझता हो। अच्छा। तो मैं उसी तरह का बनाता रहूंगा, किसी को कुछ पसंद आया तो आप उसी तरह का बनाते रहे। एक ब्रेक का टाइम हो गया। okay. अगर आप गुनगुनाते हुए एक ब्रेक ले लें फिर आगे जरा हम वो बातें करेंगे जो हमने करनी है जिसके लिए हमने प्रोग्राम शुरू किया। क्या ब्रेक ले लूं? जी ब्रेक ले, गुनगुनाते हुए ब्रेक लीजिए। बस कर दो, बस मैं ब्रेक की तरफ चलते हैं भाई। मुझ भाई